अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की जो वेजिटेबल है वो बनानी बता रही हूँ, जिसे मुंगरे कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो है आपने दोनों साइडों से इस तरह, इसकी जो एक साइड पे इसकी टहनी होती है और एक साइड पे आपने इसको दोनों साइडों से तोड़ के और इसको छोटे पीसीज में इस तरह तोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लगता है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ये मज़े की वेजिटेबल है, और ज़रूर इसको सीज़न में एक दफ़ा तो लाजमी खाएं। और जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उससे ये बहुत ही इजी तरीके से झटपट बन जाती है, ठीक है। और इसके लिए मुझे जो प्याज हैं वो मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काटे हुए हैं, ये दो प्याज हैं, ठीक है, दरमियाने साइज़ के। और इसमें दो ही टमाटर जाएंगे, और इसमें अदरक जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून समझे ये क्रश अदरक है। और आलू आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू हैं, ठीक है। और मसाले भी इसमें बहुत सिंपल जाते हैं, इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो रेड चिली पाउडर जाएगा। ये काफ़ी हॉट है इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो है ये मूंगरे आलू की जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ज़रा चटपटी ही अच्छी लगती है, ये आप बिल्कुल फीकी सी नहीं खा सकते। और इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है ये हल्दी का जाएगा, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक का जाएगा। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 कप के करीब इसमें ऑयल जाएगा। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज और अदरक को फ्राई करेंगे, इसमें लहसुन नहीं जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको आपने अच्छा गुलाबी करना है, ठीक है। जी ये देखें, इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं ऑयल में मीडियम हीट पे फ्राई होते हैं। आप अदरक का और प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको लाइट से ही रखना है, ठीक है। अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूंगी। और साथ ही ये जो नमक, लाल मिर्च और हल्दी है ये भी मैं ऐड कर दूंगी। और अब इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे, और ताकि ये मसाला हमारा अच्छी तरह जब पक जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसमें मूंगरे ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हम कवर करके और ये प्याज और टमाटर के गलने का वेट करेंगे। ये मसाला देखें जी, तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और आप देखें इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, और बहुत अच्छे से हमारा ये सारा कुछ इसमें जो है प्याज टमाटर अदरक मिक्स हो गए हैं। अब ये जो मेरे पास 1 किलो जो मूंगरे बने हुए धुले हुए हैं, अब ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस मसाले में। अब ये मूंगरों को आपने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में ही अपना पानी आपने हीट नीचे से मीडियम रखनी है, बल्कि स्लो ही रखनी है, तो ये थोड़ी देर में अपना सारा पानी ये खुद ही रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। इनको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट करके और ऊपर कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अपना पानी सारा अच्छे से इनका निकल आए। ये देखें हमारे ये जो मोंगरे हैं ये तकरीबन 1/2 डन हो गए हैं। अब मैं इसमें ये आलू ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें आलूओं के गलने का और मोंगरों का पानी ड्राई होने का बस वेट करेंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मोंगरे जी देखें हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और आलू भी अच्छे से गल गए हैं, पानी भी इनका ड्राई हो गया है,
और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, और ज़रूर आप इनको एक दफ़ा सीज़न में ज़रूर ट्राई करें, और आप इनको बिल्कुल सादी रोटी के साथ गर्मा गर्म खाएं और इन्जॉय करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। जी ये देखें, हमारे गर्मा गर्म जो हैं मूंगरे बिल्कुल रेडी हैं, और ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।